नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। यदि आपकी स्किन धूप, प्रदूषण या कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से जलने लगती है तो आपकी स्किन संवेदनशील यानी सेंसिटिव है। इस तरह की स्किन टाइप वालों के मन में हमेशा ये सवाल घूमता रहता है कि आखिर अपना चेहरा किस प्रकार से धोएं, चेहरे को धोने के लिए किस किस्म के पानी का प्रयोग करें या फिर चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाएं आदि। फेस को क्लीन करते हुए इरिटेशन ना हो, इसलिए आज हम आपको स्किन केयर रूटीन बताएंगे जिसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या चीजें करनी चाहिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। आपकी स्किन में जलन ना हो, इससे बचने के लिए पानी का सही तापमान महत्वपूर्ण है। चेहरा धोने के लिए आमतौर पर गुनगुना या ठंडा पानी सबसे अच्छा होता है। गर्म पानी त्वचा की नमी को छीन लेता है, वहीं ठंडा पानी स्किन पोर्स को छोटा करता है, अत्यधिक तेल पैदा करने से भी रोकता है। चेहरे पर फेस वॉश सीधे तौर पर ना लगाएं। पहले अपने चेहरे को पानी से गीला करें और फिर फेस वॉश लगाएं। अपनी उंगली में एक मटर के आकार जितना फेस वॉश लें और चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मलें। इस मामले में फॉर्मिंग क्लीनर काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी जेंटल व मिल्की नॉन फॉर्मिंग क्लीनर को ही अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं। सेंसिटिव स्किन वालों को कभी भी अपना चेहरा रगड़ कर नहीं पोंछना चाहिए। साथ ही चेहरे को पोंछने के लिए एक मुलायम तौलिए या फिर सॉफ्ट कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा अपने चेहरे पर लगे पानी को हल्का सा डैब करके पोंछें। सेंसिटिव स्किन वाले ज्यादातर लोगों को चेहरा धुलने के बाद फिर से अपनी स्किन को हाइड्रेट करने की आवश्यकता होती है। अपने लिए हमेशा वैसे ही मॉइस्चराइजर का चुनाव करें जो आपकी टाइप की स्किन के लिए ही बनाया गया हो। यदि आप धूप में बाहर निकलती हैं तो सनस्क्रीन वाले उत्पाद का उपयोग करें। याद रखें कि बहुत ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने से आपकी स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं और एक्ने की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए खासकर सेंसिटिव स्किन वाले लोग अपने फेस पर ज्यादा प्रोडक्ट्स ना लगाएं। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप अपनी सेंसिटिव स्किन का ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।